हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड्स नैन सिंह। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपके लिए दिखाने वाला हूं बहुत ही अच्छा सरप्राइज जो कि जियो का है। लोग पूछते हैं मुझसे, पिछले बहुत सारे वीडियो में पूछा है मेरे ब्लॉग में, जियो का फाइबर कैसे खरीदते हैं, कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं। तो इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा, बिल्कुल स्किप मत करना, बहुत काम की वीडियो है। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा और क्या क्या मिलता है, कितने में कितनी स्पीड मिलती है, पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। लेकिन वीडियो को देखने के बाद अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी करते जाना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद है और पूरा जियो से रिलेटेड अपना अनुभव बता रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो देखिए, सबसे पहले ये इस तरह का एक डिवाइस होता है जो कि आपके सामने ये है, देखो है ना, ये लगा हुआ है आपके सामने अभी। तो इसको मैं अभी इधर साइड से रखता हूँ, पहले इसके बारे में बता दूँ कि ये जो है काम कैसे करता है और कनेक्शन कैसे मिलता है। तो ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस को लेने के लिए आपको पहले इसको ऑनलाइन आवेदन करना होगा या फिर आप अपने आसपास में डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करके इस डिवाइस को खरीद सकते हो। बताया ना मैंने काम का पॉइंट। और दूसरी बात, जिन लोगों को पता है उन लोगों की तो कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग नए हैं और वो लेना चाहते हैं, उनको ये सर्विस बहुत पसंद आती हो और वो पसंद करते हैं जियो को, तो ये लेने के लिए बहुत ज़्यादा पापड़ पेलने तो नहीं पड़ेंगे। लेकिन आपको नियर बाई, आप गूगल पर सर्च करेंगे जियो फाइबर नियर मी, तो आपको बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, तो आप उनसे बात करके इसको इंस्टॉलेशन के लिए आवेदन करवा सकते हो। वो लोग आते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, थोड़ा आधार कार्ड ले जाते हैं और आपसे जो फीस होती है वो ले जाते हैं। फीस कितनी होती है वो मैं अभी थोड़ी सी देर में आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जब ये डिवाइस वो लगाने आते हैं, एक से दो घंटे के बाद ये डिवाइस को लगाने आते हैं, तो लगाने के दौरान लगाने कोई और व्यक्ति आएगा, जैसे मेरे साथ हुआ है। बाकी जो लगाने के साथ साथ इसमें क्या क्या निकलता है और कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं सब कुछ बता देता हूँ। निकलने के लिए देखिए, इसके अंदर वैसे तो कुछ खास नहीं है, एक दो ये जो तार हैं देख लो पास में आके, दो तार हैं, ये दो तार इस तरह के निकलते हैं। एक तार ये जो पीला वाला है पास से आके देखिए, ये निकलता है जो कि डिवाइस के पीछे लगाया जाता है। और एक ये जो है आपके लिए डिवाइस मिलती है, ये वाली, ये एक डिवाइस मिलेगी और आपके लिए एक ये जियो का ओरिजिनल चार्जर मिलेगा, है ना। अब ये लगा हुआ है और इसको चालू करा हुआ है तो आपको ग्रीन सिग्नल जब जलेगा तो यानी इंटरनेट आपका चल रहा है। और वो लोग आते हैं, वो लोग इसको इंस्टॉल करते समय इसके इंटरनेट की स्पीड चेक करते हैं पहले मशीन से अपनी, फिर इसको इंस्टॉल कर देते हैं। फिर जब आप इसको स्टार्ट करोगे तो इसमें ग्रीन सिग्नल की जगह रेड सिग्नल जलता है, वो अप्रॉक्स 4 से 5 मिनट जलता होगा। और इसमें खास तो कुछ नहीं है, है ना, कुछ इस तरह के लेमिनेशन है, वो पन्नियाँ हैं और ये आपको मिल जाता है। सीलिंग वगैरह नहीं आया इसमें, ऐसा कुछ होता है। कुछ जियो के स्टिकर मिल जाते हैं आपको शायद, ये वाले है ना, ये देख लो। बाकी इसको मैं यहाँ रखता हूँ और मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ कि अब ये जो है इंस्टॉल करते हैं तो क्या क्या करते हैं ये लोग। देखिए, सबसे पहले इंस्टॉल करने आते हैं तो पहले आपकी एरिया चेक करते हैं कि आप जिस एरिया में कनेक्शन लेना चाहते हो वो एरिया इसके लिए कैपेबल है या नहीं है, यानी कि उस एरिया में आपको ये कनेक्शन मिलेगा तभी जब आपकी एरिया में वो लाइन आई होगी, आसपास में कहीं कनेक्शन होंगे तो जियो की सर्विस आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर आपके खंभे के आसपास किसी और लोग ने भी कनेक्शन ले रखा है या बहुत ज़्यादा दूर तार नहीं है तो आपको जियो वाले सर्विस दे देंगे। इसके मामले में आप जो है कंपनी वालों से बात करेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, लेकिन मेरे को जितना पता है, मैं अपने ब्लॉग में आपको जो भी बता रहा हूँ वो मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। बाकी आपको जियो वाले जो कंपनी के लोग होते हैं वो सर आपको सारी जानकारी दे देंगे। मैं आपको और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि कितनी स्पीड मिलती है। और दूसरी बात, स्पीड बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इसके प्राइस क्या होते हैं कनेक्शन के, देखिए वैसे बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। इसकी जो है कॉस्ट होती है 2825 रुपये जो कि 4 महीने के लिए होती है। 4 महीने के लिए आपका इंटरनेट बिल्कुल फ्री चलता है, कितना भी अनलिमिटेड चलाओ कोई लिमिट नहीं है। मेरे को जो बताया गया वही बता रहा हूँ, मैं चलाता हूँ, वैसे मेरे पे अभी कोई लिमिट नहीं लगी है, लेकिन 4 महीने तक आप नेट चला सकते हो। उसके साथ में ये जो डिवाइस होती है ना, ये वाली जियो की, ये डिवाइस आपको बिल्कुल फ्री मिलती है। पास से आके दिखाओ, ये डिवाइस बिल्कुल आपको फ्री मिलती है। इसके पीछे कुछ सॉकेट होते हैं ये देख लो, और QR कोड होता है, पासवर्ड होता है। जब आप इसका पासवर्ड वो एक्टिवेट कर देते हैं और डिवाइस को जो है कनेक्ट करते हो तो इंटरनेट चलने लगता है। इसके अलावा ये डिवाइस आप खरीदोगे तो उसमें आपको तार लेने के अलावा
जो कुछ तार आता है कुछ दूरी तक का, जहाँ खंभा लगा होगा वहाँ तक आपको तार बिछाएंगे वो लोग, वो तार भी बिल्कुल फ्री होता है, उसका भी कोई चार्ज नहीं, इस डिवाइस का भी कोई चार्ज नहीं। लेकिन इससे पहले मैंने BSNL की डिवाइस खरीदी थी, उसका मेरे को चार्ज देना पड़ा था, मतलब कि वो डिवाइस जब वापस करेंगे तो वो कुछ मेरे को अमाउंट रिटर्न कर देंगे, रिफंड कर देंगे, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। कनेक्शन 4 महीने के बाद अगर कटवाते हो तो वो डिवाइस ले जाएंगे, इसमें ऐसा है ना। तो डिवाइस आपके लिए फ्री है। बाकी मैं आपके लिए बता दूँ इंटरनेट की स्पीड कितनी आती है, वो मैं आपको लाइव चेक कराऊंगा स्क्रीन पे कि वो स्पीड कितनी आती है। इसके लिए मैं पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर चैनल पे मेरे पहली बार आए हो, ये तो मुझे भी पता है पहली बार आए हो, मेरा नया चैनल है, सब्सक्राइब कर दोगे तो बहुत अच्छी बात होगी, है ना, सपोर्ट कर दोगे। वैसे आपको कोई पैसा या कोई चार्ज देना नहीं पड़ेगा, ये प्यार मोहब्बत या फिर जो आपकी जो है भाईचारे वाली बात है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, जानकारी आपको पूरी आगे की लैपटॉप में देता हूँ कि इन्होंने मेरे को कितनी स्पीड बताई। हालांकि मेरे को स्पीड के मामले में पास से आके दिखाइए, लैपटॉप में क्लियर दिख रहा है, देखिए मेरे को इसके मामले में जो भी जानकारी दी है वो मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि कितनी स्पीड आती है। पहले थोड़ी सी कैमरे की मैं सेटिंग कर लूँ, है ना, और यहाँ से इसको मैं ऑफ कर दूँ, तब मैं आपको दिखा पाऊँगा कि मेरे को जो बताया है वो कितना बेस्ट है। देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा लैपटॉप, अब लैपटॉप में मैं आपको दो जगह चेक कराऊंगा स्पीड कि कितनी कितनी आती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इन्होंने बताया कितना था और फिर आ कितनी रही है। इन्होंने 30 Mbps का मेरे को रिचार्ज, मतलब जो इसमें मिला है 30 Mbps पर सेकंड के हिसाब से जो है स्पीड मिलेगी, तो जियो रिलायंस की तरफ से मेरे को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो हालांकि कितनी आती है वो मैं आपको लाइव चेक करा देता हूँ, कोई डाउट नहीं बचेगा आपका अगर आप लेने जा रहे हो इस डिवाइस को, तो बेशक खरीद लेना अगर आपको ये पसंद आता है तो। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मैंने इससे पहले एक आर्टिकल लिखा है, वो जाके मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस पर जाके BSNL और ये सबकी थोड़ी बहुत जानकारियाँ पा सकते हो, कैसे इंस्टॉलेशन करवाते हैं, कैसे क्या होता है ना। तो इसके बारे में आपको पहले बता दूं कि ये स्पीड चेकर है, स्पीड चेक यहाँ से करूँगा मैं अभी। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये दो लोग मेरे पास आए थे, दो सर आए थे, उन दोनों सर ने मेरे पास डिवाइस को इंस्टॉल किया था और तार कैसे लगाया है, कैसे फिट किया, वो मैं आई बटन एंड स्क्रीन कार्ड पे वीडियो दे दूंगा, उसको आप लास्ट में देखना वो लगाया कैसे था। ये मेरा 2-3 महीने के बाद का अनुभव है कि ये चल कैसा रहा है, उस समय कितनी स्पीड आ रही थी, अब 2 महीने बाद मेरे को कितनी स्पीड मिल रही देखने को। तो देखिए मैं स्पीड चेकर में आता हूँ, स्पीड चेक करता हूँ, थोड़े पास से आके देखो, अब देखो ये सर्किल घूम रहा है, ये चल रहा है आपका अभी इंटरनेट की डाउनलोडिंग स्पीड, अभी मतलब आप कोई चीज़ डाउनलोड करो तो उसकी स्पीड आपको कितने की देखने को मिलेगी, इन्होंने मेरे को 30 Mbps बताई है। देखो Mbps 16 की है, कभी घटती बढ़ती रहती है, तो ये थोड़ी सी अभी डाउन है, 16 है, यानी 30 Mbps में से 16 आ रही है, और जब मैंने लिया था तो 30 की 28 आ रही थी, और ये Mbps अपलोड वाली है, तो यानी 15 Mbps जो अपलोडिंग की मिलेगी और जो है डाउनलोडिंग की आपको 16.4 मिलेगी। चलो हो सकता है इसमें थोड़ा गड़बड़ चल रहा हो, दूसरी वेबसाइट पे भी एक बार ट्रस्ट कर लेते हैं जाके, है ना, तो उस पे कितनी मिलती है देखने को उस पे देख लेते हैं। अब चलते मेरे पास एक वेबसाइट ये है ना, फ्यूजन कनेक्ट करके शायद कोई वेबसाइट है ये, तो मैं इस पे चेक करता हूँ इस पे कितनी मिलती है। स्टार्ट नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ, अभी मेरे को पूरा मतलब प्रोसेस बता रही है, देखो डाउनलोडिंग की स्पीड यहाँ कितनी आ रही है। कई बार थोड़ा जो है ना वेबसाइट का भी हो जाता होगा थोड़ा ऊपर नीचे, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, तो ये देख लो जो है 22 पॉइंट कुछ आ रही है, और वहाँ पर कितनी आ रही थी, मतलब ये 22.1 आई, और यहाँ पर आ रही थी 16.4 डाउनलोडिंग की, है ना, तो यहाँ डाउनलोडिंग की 22 आ रही है, तो यानी थोड़ा वेबसाइट का भी फ़र्क हो जाता है कई बार, तो इसलिए आप तरह तरह की वेबसाइट पर एक बार चेक कर सकते हो। इसके अलावा अपलोडिंग की स्पीड देखो 26 पॉइंट कुछ आ रही है ना, और इस वाले में कितनी आ रही थी 15, यानी इस वाले में बहुत कम आ रही है, और इस वाले में देखो 26.8 आ रही है। तो कई बार लोगों का डाउट बन जाता है कि वेबसाइट का भी जो है ऐसा इशू रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि वेबसाइट से मतलब आपको चेक करना है कि तरह तरह की वेबसाइट से कि उसको जो है किस तरह से जो आपको मिलता है। ये वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं है, कंपनी वालों ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया है कि इसकी तारीफ करूँ या इसकी बुराई करूँ, है ना, जो मेरा हकीकत का अनुभव मैंने आपको बताया। हालांकि मैं इससे बहुत सेटिस्फाई हूँ, इस डिवाइस से मैंने जहाँ लगवाई है यहाँ पर मैं लोगों को सेवा देता हूँ, कुछ लोग गांव में सेवा लेते हैं इसकी, तो गांव में भी शायद इसकी सेवा मिल जाती है। हालांकि जियो बहुत बेस्ट है ना, मैंने BSNL का करवाया, बहुत कॉस्टली पड़ा था और इसका प्रोसेस मेरे को अच्छा लगा। उसके बाद मेरे को 400 कुछ रुपए का, शायद 75 रुपए का अप्रॉक्स इसका प्लान बताया है कि अगर आप
अगले को रन करवाओगे तो उसको जो है उस रेट से हमको पे करना पड़ेगा। चाहे तो आप कैंसिल करा सकते हो आगे प्लान को, या फिर आप जो इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो। मैं इसको संतुष्ट हूँ अभी, बाकी आगे का क्या प्रोसेस है वो आगे देखेंगे। इसकी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो और आप कमेंट में बताते हो आपने ये वीडियो कहाँ से देखा, आपकी तरफ क्या ये सेवा उपलब्ध है, और है तो आपको उधर क्या प्लान है आपकी साइड में, या फिर आपको जो है किस तरह से कितने की डिवाइस लगा रहा है। मिलता हूँ किसी वीडियो के साथ में, एंड स्क्रीन कार्ड आई बटन वाली वीडियो को जरूर देखना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।